सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मेरा पहले वीडियो में आपको कवर कर चुका हूँ अकाउंटिंग क्या है, मीनिंग क्या है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑल ओवर ऑल द थिंग मोस्टली आई कवर। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड फॉर अकाउंटिंग? सो इनपुट, सो पहला क्या प्रोसेस है अकाउंटिंग का, बहुत ही ईजी है और ये एग्जाम में भी आ सकता है, नहीं आ सकता, बट ये तो बेसिक चीज़ है, बिना इसको आप समझ के कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट इज प्रोसेसिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? फर्स्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस का, उसको आइडेंटिफाई करना। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड इनपुट्स, आइडेंटिफाई करना, फिर इनपुट्स हो गया। देन इकोनॉमी इवेंट। सो व्हाट इज इकोनॉमी इवेंट? इवेंट हुई जाए मेजर इन फाइनेंशियल टर्म। जो भी टर्म है, जो फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, तब उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। देन इट गोज फॉर द अकाउंटिंग सर्किल एंड लास्ट इज योर आउटपुट। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग सर्किल क्या होता है। सो फर्स्ट इज हो गया आइडेंटिफिकेट ट्रांजेक्शन, देन इनपुट्स, व्हाट इज इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट वी हैव कंसिडर्ड, देन अकाउंटिंग सर्किल, देन आउटपुट। सो व्हाट इज अकाउंटिंग सर्किल? सो अकाउंटिंग सर्किल क्या होता है? रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, प्रिपेरेशन, नेक्स्ट इज प्रिपेरेशन। सो फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो फर्स्ट जो सर्किल अकाउंटिंग साइकिल है, ये हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। देन पोस्टिंग इन द लेजर, जब ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री हो जाता है, हम लोग उसको उसके बाद क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं, दैट इज नॉट पोस्टिंग इन टू लेजर। देन प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो लेजर निकलता है उसका जो बैलेंस होता है, वो ट्रायल बैलेंस में हम लोग पोस्टिंग करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर लेजर, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देन आफ्टर द प्रिपेरेशन ट्रायल बैलेंस, वी प्रिपेयर इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग बनाते हैं एंड बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। सो व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग साइकिल। देन आउटपुट, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना और बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बना, उसको क्या होगा? इट इज कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर। सो हु आर द जनरली यूजर? जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कौन इसका यूजर है? हु आर द यूजर? सो बेसिकली दो टाइप के यूजर होता है, एक हो गया इंटरनल यूजर, सेकेंड हो जाए एक्सटर्नल यूजर। सो टू द दो तरह का यूजर है, फर्स्ट इज योर इंटरनल यूजर, सेकेंड इज योर एक्सटर्नल यूजर। सो टू टाइप ऑफ यूजर, फर्स्ट इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। सो इंटरनल यूजर कौन होते हैं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, पार्टनर्स हो गया, और ओनर, द मैनेजर्स एंड द ऑफिसर्स। सो दीज आर कॉल्ड इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एंड सेकेंड इज योर, सेकेंड इज एक्सटर्नल यूजर। सो एक्सटर्नल यूजर कौन है? जनरली दोज आर द इन्वेस्टर, लेंडर और सप्लायर्स, गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर, दीज आर कॉल्ड योर एक्सटर्नल यूजर्स। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टेप क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। सो क्या, फर्स्ट हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, देन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री, और दिस इज व्हाट वी आर आइडेंटिफिकेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री। थर्ड इज योर लेजर, प्रिपेयर। फोर्थ इज योर ट्रायल बैलेंस, फिफ्थ योर एडजस्टमेंट एंट्री, सिक्स्थ योर योर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन क्लोजिंग एंट्री, मेक द क्लोजिंग, देन प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग साइकिल। सो प्लीज रिपीट, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन, देन सेकेंड इज योर प्रिपेरेशन ऑफ योर जर्नल, थर्ड इज प्रिपेरेशन ऑफ योर लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन मेक ए एडजस्टमेंट एंट्री, प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन मेक ए क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड वट एवर, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेरेशन, प्रिपेरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग साइकिल। सो रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मैंने जस्ट उसको हम लोग देखेंगे, दो एक मिनट। सो व्हाट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन? सो
इस एज सुन एज ट्रांजेक्शन आज हैपन इन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द सब्सिडरी बुक, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ बिजनेस में यू हैव टू रिकॉर्ड इन द सब्सिडरी बुक सच एज परचेज लेजर, सेल्स लेजर जो भी है और एक्सपेंसेस, उसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं. सो फर्स्ट एज सुन एज ट्रांजेक्शन हैपन फर्स्ट रिकॉर्ड इन द सब्सिडरी बुक्स. सेकेंड इज जर्नल, द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग इन द जर्नल क्रोनोलॉजिकल वे. सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल वे. आज एक तारीख हुआ, दो तारीख हुआ, तीन तारीख हुआ, सो एज पर द डेट यू हैव टू मेक योर जर्नल एंट्री. देन लेजर, ऑल द जर्नल एंट्री आर पोस्टेड इन द लेजर क्रोनोलॉजिकल वे इन क्लासिफाइड मैनर. जब आपका जर्नल हो गया आप लेजर कहते हैं, परचेज लेजर, सेल्स लेजर. सो एक जो जर्नल एंट्री हर एक कंपनी में होने के बाद लेजर होता है, पर्टिकुलर परचेज का, 10 आदमी का परचेज का एक पर्टिकुलर हुआ, सेल्स का एक पर्टिकुलर लेजर हुआ. सो परचेज का पूरा ट्रांजेक्शन, सेल्स का पूरा ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस का अलग. सो यू आर सेग्रीगेटिंग द ऑल योर जर्नल इन पर्टिकुलर लेजर. देन प्रिपेरेशन ट्रायल बैलेंस, जो भी आपका लेजर का बैलेंस हुआ, क्लोजिंग बैलेंस हुआ, डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में आप पोस्टिंग करते हैं. सो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज पोस्टेड एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड प्रिपेयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन ई इज एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री आर मेड प्रॉपरली एडजस्टेड अकॉर्डिंग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्री होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस एंट्री, डेफिसिएशन, बैड डेप्ट, बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्री होता है. आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट एंट्री यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल फाइनल ट्रायल बैलेंस. फाइनल ट्रायल बैलेंस इज टू बी रिकॉर्डेड. देन क्लोजिंग एंट्री आपको करना है, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. एंड लास्ट इज योर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गिव द फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. सो हु आर द जनरली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द इन्वेस्टर, जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, और ओनर, इन्वेस्टर आर नोन एज ओनर. सो उनको क्या चाहिए, इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए, रिटर्न, व्हाट दे वांट, रिटर्न, जो पैसा लगाए होंगे उसको रिटर्न चाहिए, प्रॉपर रिटर्न चाहिए. एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, एंड योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सो एम्प्लॉई वांट द ग्रोथ, सैलरी, टाइमली सैलरी होना चाहिए, और आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए. देन लेंडर्स, जो पैसा देते हैं उसको क्या, टाइमली पेमेंट चाहिए, पेमेंट टाइमली, एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कंपनी. देन सप्लायर्स, जो सप्लायर्स हैं उनको भी क्या चाहिए, उनको जो क्रेडिट में आपको सप्लाई दिए, रॉ मटेरियल सप्लाई दिए, सो उनको भी नेचुरली टाइमली पेमेंट चाहिए एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए. देन कस्टमर्स, बेटर प्रोडक्ट चाहिए और बेटर सर्विसेज चाहिए विथ लो कॉस्ट और वेरी रीजनेबल कॉस्ट एंड आफ्टर सर्विस ऑल्सो. एंड गवर्नमेंट व्हाट दे वांट, टैक्सेस और रेवेन्यू, और जो भी लॉ और रूल को जो है कंप्लाई करना. सो गवर्नमेंट वांट द पर्टिकुलर टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज एंड और व्हाट एवर द रूल एंड रेगुलेशन प्रिवेल इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री और टोटल व्हाट एवर रूल एंड रेगुलेशन, जैसे इनकम टैक्स हुआ, GST रूल है, उसको कंप्लाई करना और उसको मानना. देन मीडिया, मीडिया मीन ऑल द मीडिया. सो आजकल तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. देखिए जिसका जैसे आप जानेंगे, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे आई डोंट नो, बट बेसिकली मीडिया प्ले वेरी बेटर रोल. मीडिया जो है आप तो देखते होंगे, जिसका चैनल है उसी का गुनगाता है, जैसे रिलायंस का है तो रिलायंस का गुनगाएगा और बीजेपी बीजेपी और इसका. सो मीडिया प्ले वेरी बेटर रोल. सो यू हैव टू मैनेज द मीडिया. आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है, अगर बिजनेस अच्छा हो तो आपका अच्छा रेपुटेशन होगा, बिजनेस खराब होगा तो खराब रेपुटेशन होगा. देन सोसाइटी,
कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस का खाली एम जो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बट सोसाइटी के लिए हम लोग को कुछ करना है। जो भी कंपनी अगर सपोज एक गाँव में बैठा हुआ है, एक कंपनी वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, सो गांव के बारे में सोचना है, लाइटिंग देना है, उन लोगों को प्रमोट करना है, एजुकेशन फैसिलिटी देना है, व्हाट एवर द बेसिक फैसिलिटी यू नीड टू गिव। ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे आप कोल इंडिया के बारे में बोलेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देते हैं और एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं और स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो दीज आर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द I have covered today the process of accounting, then accounting cycle, the last is user of accounting information, and next class I am going to cover the term of accounting. बहुत सारे accounting का terms हैं, what is asset, what is liability, what is current account, what is capital account or revenue, all the detail I am going to cover. So my dear friends और जो students हैं, please go through a the my videos, previous videos also, it help you for the better understanding. और कोई भी doubt हो तो comment दीजिए और हमको suggest कीजिए तो और अच्छा video आपके लिए बना पाऊँ। Thank you very much.